तो दोस्तों आज हमें हमारे फिश रूम में बहुत सारे चेंजेस करने हैं। चेंजेस मतलब बहुत सारे नहीं करने हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत सेटअप करना है। और हमारे जो टर्टल्स है, हमारे बहुत सारे भाइयों को टर्टल्स का जो टैंक है अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा नहीं लगा मतलब जो सेटअप मैंने किया है वो गलत किया है, ऐसे मुझे बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स है। तो भाई आज हमारे चारों टर्टल्स हम यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे हमारे टर्टल्स रहेंगे, यहाँ पे हम उनको थोड़े दिन के लिए शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि रेड ईयर स्लाइडर के बेबी टर्टल के लिए हम एक बड़ा सा यहाँ पे टब का सेटअप बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बनेगा, हम अलग जगह पे बनाएंगे, मतलब फिक्स नहीं यार, कहीं पे भी हम बना सकते हैं, बट हमें एक बड़ा सा सेटअप बनाना है। मेरा प्लानिंग तो यही पे है, आप मुझे सजेस्ट करना कि भी यहाँ पे कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे से ना दोस्तों यहाँ पे सीधा सनलाइट भी आता है, ठीक है। हम यूवी लाइट्स वगैरह जो होती है भाई, वो एक्वेरियम लाइट्स वगैरह हम सब इनके लिए ऐड करेंगे, जो इनके लिए ज़रूरतें होती है हम इनके लिए पूरा ऐड करेंगे, ठीक है। तो यार मुझे बहुत सारे भाई कहते थे कि भाई आपके जो टर्टल्स है भाई इस टैंक में नहीं रहेंगे। अभी हमारे टर्टल्स को सेटअप करते हुए कंप्लीट 10 डेज से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं तो भाई हम इनको जल्द से जल्द यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे कम वाटर में। इनका जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक हम इनको यहीं पे रहने देंगे। तो यार ये ड्राई होने के लिए ना दोस्तों ऐसे ऊपर आते, देखो अभी मुझे, मैं कैमरा जैसे ही पास लेके जाऊँगा ये भाग जाएगा। ये देखो भाई, ये ना ये ड्राई होने के लिए इसे ऊपर आते, और ये देखो भाई ये लेके भाग गया। तो मेरे सारे भाई यहाँ पे जो मेरा प्लानिंग है वो सुनकर खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम और जो व्हाइट टक्सुडो गप्पीज है यहाँ पे हम वो शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैंने ऊपर जो व्हाइट टक्सुडो गप्पीज रखी हमारी टंकी में जो मॉल फिश के बेबीज़ के साथ है, तो यहाँ पे वो गप्पी फिश आने वाली है, क्योंकि यहाँ से उनको नेचुरल लाइट्स वगैरह सब मिलेंगी और वो प्रॉपर ब्रीड करेंगी। जैसे कि हमारी ये गप्पी फिश है, इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे सेट हो गई है हमारी गप्पी फिश, और इनकी जो फैमिली देख सकते हैं और कितने सारे बेबीज़ हो गए देखो। तो इसी की वजह से भाई फ़ायदा है कि भाई यहाँ से नेचुरल सनलाइट वगैरह उनको पूरा नेचुरल मिलता है। तो यार हम हमारी जो गप्पी फिश है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो सेटअप करने से पहले मैं क्या करता हूँ, हमारे जो टर्टल्स है टर्टल्स के बेबीज को मैं उनका जो मॉर्निंग वाला डाइट है वो दे देता हूँ। ये दे रहा हूँ दोस्तों मैं हमारे जो टर्टल्स है उनको, जो कि ड्राई जो फ्लीज होती है उनके जो लार्वे है जो कि ड्राई करके आते हैं भाई, जो कि मैं हमारे बॉब को खिलाता हूँ, ठीक है, इसको बड़ा पसंद है यार। तो चलो भाई मैं अभी हमारे टर्टल्स को दे रहा हूँ इनका मॉर्निंग का डाइट, तो मैं इनको यही दे रहा हूँ। ये बड़े शौक से खाते हैं यार, देखो इनको इतना ज़्यादा पसंद है यार, ये देखो कैसे खा रहे हैं। और दो को तो पता नहीं यार, जैसे पता चल जाते तो इतना खाते भाई शौक से। कहाँ गया हमारे दो, एक ड्राई होने के लिए ऊपर आया है, तो अभी ये भी इसको मैं ये कर देता हूँ। चल भाई जा जा भाई जा, तो ये भी अभी आ जाएगा और इसको इन्जॉय करेगा भाई। तो यहाँ पे हमारे चारों बेबी टर्टल्स आ गए और चारों के चारों वे एंजॉय कर रहे हैं उनका फूड, देखो यार कैसे खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये जब खाते हैं ना, इनको खाते हुए देखते हुए बहुत ज्यादा मजा आता है। देखो 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 अभी आ गया ये, देखो भाई पकड़ लिया इसने, एक कहाँ पक गया भाई, ऊपर ऊपर नीचे का खा रहा है ये। इनको बड़ा अच्छा लगता है भाई जो मैंने इनको फूड दिया है, अब खत्म भी हो गया यार इनका, अभी फिर से देना होगा। ये देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, मस्ती कर कर खाते हैं यार ये। तो मैं इनको और फूड दे रहा हूँ क्योंकि इनको आज इतना कम हो गया, तो इनको और देता हूँ भाई। चलो लो जी अभी आ जाएंगे भाई फिर से। तो हमारे जो पैरेंट टर्टल्स है उनकी फीडिंग वगैरह होकर सब कंप्लीट हो गया। फीडिंग करके भाई अभी एक घंटा तो हो ही गया होगा इनको, तो भाई मैं अभी क्या करता हूँ इनको उठाता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे ना अपन जो उनका स्टैंड वगैरह ना अच्छे से हम सेट कर देते, पानी वगैरह भर देते, फिर उनको मैं शिफ्ट करता हूँ।
तो मैंने भाई यहाँ पे कर दिया सेटअप, मतलब यहाँ पे मैंने स्टैंड लगाया और पानी देखो भाई मैंने कितना भरा, पानी सिर्फ इतना ही भरा मतलब हमारे टर्टल्स डूब सके और ऊपर भी आ सके, और ऊपर आ सके मतलब ये ड्राई होने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, अभी बारी आती है इनको पकड़ने की। चल भाई आ जा। ये गया भाई हमारा पहला टर्टल। इस वाले टैंक में मैंने हमारे चारों टर्टल शिफ्ट कर दिए, तो अभी बड़े आराम से रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम अभी जब तक न्यू टैंक नहीं बनवाते तब तक हम इनको हमारे ईस्ट वाले टैंक में रहने देंगे और ऊपर से यूवी लाइट्स वगैरह हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अभी हमें हमारे व्हाइट टक्सुडो जो गप्पी फिश है उनका सेटअप करना है। ठीक है, तो भाई मेरा प्लानिंग क्या है भाई, मैंने कल एक्वेरियम शॉप से ये चीज़ लाई थी जो कि ये वाली चीज़ है भाई। ये चीज़ जो है भाई ये है भाई क्या बोलते हैं यार इसे, नेट कुछ बोलते हैं यार, ग्रीन ग्रास नेट है। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा बहुत जो ग्रेवल्स वगैरह है वो ऐड कर देंगे, तो बड़ा खूबसूरत दिखेगा यार। और इसमें हमारी जो व्हाइट टक्सीडो है बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो यार मैं करता हूँ चलो सेटअप, फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो फाइनली हमारा व्हाइट टक्सीडो का जो टैंक है भाई वो सेटअप हो गया। तो भाई कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। मतलब अभी हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं व्हाइट टक्सीडो, जो कि मैंने यहाँ पे जो ग्रेनेट थी वो यहाँ पे ऐड कर दी और ऊपर से थोड़े बहुत ग्रेवल्स वगैरह ऐड कर दे, क्योंकि अरे डूब ही नहीं रही थी, मैंने डाला तो ऊपर ऐसे तैर रही थी। और यहाँ पे हमें इतना पानी भी भरना है। और दोस्तों मैंने एक चीज़ मंगवाई है जो कि मुझे एक भाई ने सजेशन दिया था कि भाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, मतलब ये जो शार वगैरह ना भाई 2 मिनट में रिमूव कर देगी। ठीक है, ऐसी चीज़ है वो, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। मतलब अभी तो आई है ये, इसकी पैकेजिंग वगैरह हमें फोड़नी होगी, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था तो भाई। ठीक है, उसे हम कल आपको मैं शो करूंगा वो क्या है क्या नहीं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात मतलब हमारी जो व्हाइट टक्सीडो यहाँ पे हमें शिफ्ट करनी है, तो भाई हमें तो उनको नीचे लाना होगा। तो चलो भाई अभी हम जाते हैं उनको पकड़ते हैं। मैं ये टब भी लेके आया हूँ, तो अभी जल्दी से जल्दी हमारी यहाँ पे जितनी भी फिश है हमें सारी की सारी इस टबों में पकड़नी है। ठीक है, तो चलो भाई। मैंने कल नेट भी लाई थी हमारे फिशेज के लिए, क्योंकि भाई हमारे जो नेट है ना यार पूरी फट गई है, तो अभी इसे फोड़ते हैं यार। अभी इसकी पैकेजिंग जो है मैं अभी निकलता हूँ और भाई इसे यूज़ में लेते हैं भाई, पैकेजिंग निकलना। एक मिनट है। वाओ वाओ, ओके, ये हो गई भाई हमारे न्यू नेट। तो चलो भाई अभी न्यू नेट से ही पकड़ते हैं हमारे फिशेज को। भाई यहाँ पे अभी मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं यहाँ पे हमारे कौन कौन से फिश निकलेंगे। ठीक है, एक्साइटमेंट तो है यार, हमारे बेबीज़ वगैरह कितने बड़े हुए, तो यार यहाँ पे अभी हमें सब दिखेगा। तो चलो भाई एक मिनट, सबको ना आने देते हैं पहले। क्या हुआ ये यार, यहाँ पे ना ये पिन है यार। शिट यार, हमारे फिशेज को ये पिन लग सकती है, निकालनी पड़ेगी, इसे निकालना। ओके, तो चलो भाई अभी मैं इनको पकड़ता हूँ। कोने खिड़की लाव ले रे उड़े जोरा, दुख लागना रे कोने लेते रे। हाँ तू रुक जा, तू रुक जा, मुझे ही पकड़ने दे। ओ यार चॉकलेट मॉली के सबसे ज्यादा बेबीज है भाई यहाँ पे। ओए आ गए यार सारी की सारी। ओए सुनना, मैं क्या बोलता, अपन है ना सबसे पहले ना एक ही टप में निकालेंगे। हाँ एक मिनट, फिर से मैं नेटिंग करता हूँ। आ गए ऊपर, आ जाओ भाई। तुम भी आ जाओ यार। आ गए यार हमारे सारे के सारे फिश। सुनना, वो ग्रीन टब में निकालते बाकी फिश। हाँ उठाओ फिर। हाय पाप है ना यार, बहुत ज़्यादा धूप है, तो भाई मैं यहाँ पे आ गया। तो अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से वो व्हाइट टक्सीडो जो गप्पीज है ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और इस टब में शिफ्ट कर देता हूँ, और जो बेबीज है भाई हम इसी टब में रहने देंगे। क्वालिटी के ना वो निकाल, मतलब जिस मेल को ज़्यादा कलर है ना वो निकाल, मतलब हमें ना उनकी प्रॉपर ब्रीड भी करनी है। क्या करो तुम पकड़ो, मैं तब तक है ना ये लेके आता और फिशेस लेके आता, इसे ये करना भाई। और एक बार मैं नेटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे।
यार मैंने यहाँ पे हमारे जो फाइटर फिश की जो फीमेल्स है ना वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी। सुनना है वाइट, ये जो फाइटर फिश की फीमेल्स है ना इनको अलग रखना होगा अपने को। यार इनका कलर कितना अच्छा होगा यार, ग्रीन वाटर में इनका कलर देखना यार, क्या चमक रही यार ये भाई साहब, कलर तो देख यार जबरदस्त है यार, रेड रेड आ गया। इसने उल्टा कर दे ऐसा। दोस्तों हमारी जो व्हाइट टंकी है मैंने इसमें से हमारी सारी गप्पी फिश वगैरह जितनी भी फिश थी मैंने यहाँ से सब निकाल ली और निकाल कर मैंने रख दी, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने सारी की सारी जितनी भी हमारी टक्सुडो गप्पीज थी तो ये मैंने यहाँ पे निकाल ली। तो अभी हमें क्या करना है भाई, हमारी टक्सुडो गप्पीज हमें नीचे टैंक में शिफ्ट कर दी, ठीक है। और है क्या, एक दो ही ना, वो भी पकड़ लेते, छोटे छोटे बेबीज ना डाला, बेबीज इधर रहने दे, बेबीज हमें नीचे नहीं रखने, हमें सिर्फ बड़े ब्रीडिंग पेयर रखने नीचे। मैं यहाँ से इतनी सारी टक्सुडोज गप्पी मिली जो कि यहाँ पे मेल फीमेल मैंने प्रॉपर कर लिया है, तो अभी इनको मैं हमारे टैंक में उनके न्यू सेटअप में डाल रहा हूँ। मैंने हमारे व्हाइट टक्सुडो जो गप्पीज है मैंने इनको वाटर सूट करने के लिए यहाँ पे रख दिया है, अभी इनका जो वाटर ये भी सूट हो जाएगा फिर मैं हमारे न्यू सेटअप पे इनको ऐड करूंगा। थोड़ा बहुत ऐसा ब्लर ब्लर सा आपको दिख रहा होगा यार, ये कुछ नहीं साफ हो जाएगा क्योंकि यार टर्टल्स ने थोड़ी बहुत यहाँ पे गंदगी करके रखी थी, यहाँ पे मैंने 50% जो वाटर मैंने चेंज कर दिया और 50% वैसे रहने दिया क्योंकि थोड़ा बहुत पुराना पानी लगता है इनको, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत पौंड का पानी मैंने लिया, थोड़ा बहुत ब्लर है बट हमारे जो स्पॉन्ज फिल्टर मैंने यहाँ पे लगाए ये तुरंत उसका पूरा क्लीन कर देंगे, टैंक का वाटर है हमारे स्पॉन्ज फिल्टर पूरा उनको क्लीन कर देगा, ठीक है। तो चलो भाई अभी इनको मैं 10 मिनट में ऐसे रहने देता हूँ इस वाले वाटर का, और हमारे एक्वेरियम वाले जो वाटर का जो वाटर जो सेम टेम्परेचर हो जाएगा और पूरा सेम मेंटेनेंस हो जाएगा, मतलब मैं इनको छोड़ दूंगा, ठीक है। दोस्तों हमारे जो ऊपर वाली जो टंकी है मैं खाली करता हूँ भाई, इसका पानी तो अभी 50% खाली हो गया है, 50 नहीं यार पूरा 80% खाली हो गया, तो अभी इसमें हमें थोड़े बहुत और फिशेस नज़र आ रहे हैं तो भाई इनमें उनको फिर से निंडिक करके पकड़ लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ का मैंने सारे जितने भी फिशेस थे मैंने यहाँ से सब निकाल लिए, सिर्फ हमारी आखिरी यहाँ पे दो स्नेल बच गई थी भी मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो अभी मैं पूरा पानी निकाल लेता हूँ, वही टक्सुडो में उनको छोड़ के आता हूँ क्योंकि ना अभी 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, जंप ना कर दे यार टैंक के बाहर, वो नीचे चलना जल्दी यार, इन्होंने जंप नहीं कर दी ना यार, टेंशन हो रही मुझे, नहीं यार सब ठीक है, जंप करते तो सीधा टैंक में गिरते, हाँ यार पानी थोड़ा कम है ना। तो चलो दोस्तों मैं अभी इनको छोड़ रहा हूँ, 20 मिनट से ज़्यादा हो गया यार इनको, तो चलो भाई ये हमारी छोड़ दी भाई मैंने हमारी वाइट टक्सुडो, वाह यार कितनी खूबसूरत दिख रही है यार, ये टैंक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती जब ग्रुप में होती तब, वाह। तो ये है दोस्तों हमारी द डेजी फिश की होम ब्रीडेड टक्सुडोज गप्पी जो कि भाई मैंने खुद ब्रीड की है, ये थोड़ा मैं अंदर ले लेता हूँ लाइट, ओके यार देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पे मैंने हमारा जो क्या बोलते हैं यार इसे, जो हमारा हमारे पास जो रूट था ना हमारे टर्टल सर इसमें फंस जाते थे तो मैंने इसको निकाल के रखा था, तो अभी हमारे व्हाइट टक्सुडो में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा है यार ये, और ये ग्रीन थोड़ा यार यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत ऐसा नेचुरल जैसा फील भी आएगा और देख ही सकते हो बाकी तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार। तो ये रहेगा दोस्तों आज से हमारे टक्सुडो गप्पीज का टैंक, द डेजी फिश की हमारे जो टक्सुडो गप्पी है हमारे इनका वो हमारे टक्सुडो गप्पी का ये टैंक रहेगा, ठीक है। और ये हमारे टर्टल्स थोड़े दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे और इनको फिर हम बड़ा जो पॉन्ड हो जाए हम इनको शिफ्ट कर देंगे। आज हमें बहुत सारे काम है यार, चलो भाई ऊपर के जितने काम है हम सब सारे के सारे निपटा देते, मतलब टंकी उस पूरा धो के हमें हमारे जितने छोटे छोटे फिश हमें सब उधर शिफ्ट करने, ठीक है। तो भाई ये मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि आज की जो वीडियो भाई ऑलरेडी लंबी हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज हमने क्या किया भाई, आज हमने किया भाई हमारे टक्सुडो गप्पी का टैंक हमें यहाँ पे शिफ्ट किया और टर्टल को यहाँ से निकल कर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।